स्वागत है दोस्तों, पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो मैंने डिसाइड किया है कि आज है आई थिंक 19th और आज एक बहुत ही स्पेशल इंसान यानी कि मेरी दिव्या मैम का बर्थडे है, तो मैम विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और सेकेंडली मैंने आज से डिसाइड किया है कि अब मैं हर दिन अपना डे रिकॉर्ड करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट इट। मैं जो इनिशियली जब यहाँ पे आई थी तो मैंने वीडियो लॉगिंग शुरू की थी, तो जितने भी मैंने वीडियो लॉग्स बनाए थे वो मैंने इसमें डाले हैं और उससे ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपने पुराने वीडियोस देख रही हूँ। और काफ़ी लंबे मैं वीडियो लॉग्स बनाती थी क्योंकि पूरे पूरे दिन के बनाती थी। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं फिर से अपने लॉग्स बनाऊँगी और फिर से अपलोड करूँगी रेगुलरली, लाइक एवरी सिंगल डे फ्रॉम 19th। आई गेस इट्स 19th टुडे, या इट्स 19th ओनली, अगेन एंड अगेन मैं फिर से भूल रही हूँ। तो यस, 19 तारीख से आपको रेगुलर मेरा डे शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। बाकी आज का प्रोग्राम ये है कि मेरी आंखों में हो रहा है झाड़ और मुझे जाना है आज एक शादी में, तो मुझे अपनी थ्रेडिंग करानी है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी सैलों, अपनी थ्रेडिंग कराऊंगी। ब्रेकफास्ट इज़ डन, नहाया मैंने अभी तक है नहीं है और काफ़ी लेट हो गया। इट्स 11:37, बहुत ज़्यादा फोर्स करिए जाने के लिए। और फिर एक और वेडिंग है जो शिवम के डीन हैं, उनकी डॉटर की वेडिंग है, तो उसमें शिवम इनवाइटेड हैं, तो उसमें भी जाना है। तो रेगुलर मतलब आज भी एक रिसेप्शन है और कल एक कल्याणम है, साउथ में वेडिंग को कल्याणम बोलते हैं, तो हम दोनों जगह अटेंड करने वाले हैं, जिसके लिए मुझे थ्रेडिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं निकल रही हूँ सेलो के लिए, आपको भी साथ में लेके चलूंगी एंड लेट्स सी व्हाट ऑल हैपेंस इन द एंटायर डे। तो हम सारा कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे, आप गुड बैड बोरिंग, आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट इट, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी ना, तो मुझे लग रहा था ओ माय गॉड इतनी सारी मेमोरीज। सो यस, फॉर दैट पर्पस, एंड अगर किसी को अच्छी लगी तो आप वो भी देख लेना, फाइन। और मैं थोड़ा सा ना कैमरे से इधर उधर देख रही हूँ अगेन, क्योंकि कैमरा इधर है और मैं इधर देख रही हूँ कि मुझे यहाँ खुद की शक्ल नज़र आती है, इसलिए अब मुझे सीखना है कि मुझे सिर्फ यहाँ देखना है। सो यस, और अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, नीचे ड्राइवर आ जाए फिर। आ गई हूँ मैं और अपनी सीट पे बैठ गई हूँ और पीछे से आंटी आ रही हूँ। Have you seen something cute like this? Something is asking, auntie, this is also looking very nice. We have lost so much weight, हाँ। So, she is cutie, कुटी, आची। This is जो August, is it? यहाँ पे आंटी अपना हेयर कट करा रही हैं और मैं कराऊंगी थ्रेडिंग। वो देखिए सामने दिख रही हूँ मैं, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सोल एंड आई एम ट्राइंग टू कैप्चर हर एंड शी डजंट नो, आई होप शी डजंट कैच मी। दोस्तों ये ना मैंने जो ऑरेंज वाली दाल होती है वो दूध और सैफ्रन और बेसन उसका एक फेस पैक बनाया और ये मैंने लगाया है अपने फेस पे और आंटी को भी दिया। आप लोग चाहे तो आप लोग भी बना सकते हो, बहुत अच्छा होता है इसका फेस पैक। तो मैंने लगा ली फेस पैक और ये ना बहुत अच्छा होता है, इससे स्किन में जितनी भी डर्ट आप और ग्राइम आपको लगती है ना कि हो रही है या टैनिंग हो रही है, वो सारी रिमूव हो जाती है। लेकिन एक बार नहीं, आपको 2-3 बार यूज़ करना होता है, पर फर्स्ट यूज़ में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप लोग चाहें तो इसमें हनी भी मिक्स कर सकते हैं, लेमन मिक्स कर सकते हैं और भी जो भी चीज़ें आपको सूट होती हैं, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें, वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने लगा लिया, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं इसको लगा कर, मैं अपना फेस वॉश करती हूँ फ्रेंड्स। नहा लिया मैंने और मैं बना के लेकर आ गई हूँ अपने लिए चाय और मैं चाय पी रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने कॉफ़ी पीना थोड़ा सा कम कर दिया और बेड की हालत देखो कैसे रजाई सब कुछ बिखरी हुई है, तो मैं थोड़ी चाय पीऊँगी। मेरी आँखों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कितनी रेडनेस हो रही है, तो थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, आइस क्लोज करके बैठूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा स्किन केयर करूँगी, तो साथ में आपको भी दिखाऊंगी क्या स्किन केयर करती हूँ और फिर रेडी होंगी शादी में जाने के लिए। हमें यहाँ से निकलना है 7 बजे क्योंकि यहाँ पे जो शादी होती है वो काफ़ी जल्दी शुरू हो जाती है और 10 बजे तक ख़त्म हो जाती है। और आज ना हम शादी में नहीं रिसेप्शन में जा रहे हैं, और हैविंग सेड दैट मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो शादी होती है रिसेप्शन उससे पहले होता है, तो जो भी चीज़ होंगी मैं आपको दिखाऊंगी।
एंड स्टे ट्यून्ड. अब मुझे पता नहीं ये ब्लॉग कब आएगा, लेकिन जिस दिन से भी ये ब्लॉग आएगा उस दिन से ब्लॉग रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा. आज है 19th, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ. सो फ्रॉम 19 ऑनवर्ड्स मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी. डरेगा ये एक या दो दिन लेट से. ओके सो मैं अपनी चाय एंजॉय कर लूँगा इस पर. मिलती हूँ आपको. मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, नींद सी भरी हुई आँखों में. ठीक है, मिलती हूँ. और कमरे के अंदर देखो कितना सनलाइट आ रही है. दोस्तों मैं हमने निकल रहा है और मैंने ये ब्लू वाला सूट पहना हुआ है जो मैंने पहले एयरबोरिंग सेरेमनी में पहना हुआ था. हाँ, एंड आंटी इज वेयरिंग दिस नाइस सारी. आंटी सी I took it and take it in light also, auntie. I'm just telling that we are moving now from here, so that we'll make videos. Yes. Very nice, auntie. I like this this neck piece of yours. Just because you don't like this other thing, never take any. No, auntie, it's looking very classy. Auntie. You are showing me also like it. It's looking very classy. I never take anything. Okay, guys. No, auntie. Otherwise, we can ask him to. No, auntie. We don't want. I have a lot of rush. See this place, Pallavi? Yes, auntie. How many cars? You don't want to comb your hair today? So many cars. First time I'm not seeing you. Marriage? Pair chalenge? Rent marriage nadakda me? Parasuram, Parasuram. Parasuram, maapla mere dono kaam. Aama, aama. Hal bol. Unna, unna da na. So there are two. இல்லை தெர் ஆர் டூ வெட்டிங்ஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர். அண்ட் வித் திஸ் வி என்டர் டு த ஹால். ஆல் ஹி ஹே மேரி ஜிந்தகி கா சப்சே பஹலா சவுத் இண்டியன் வெட்டிங் ரிசெப்ஷன். तो ये मैं चल रही थी और हाँ मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने ब्लू कलर का ही सूट पहना था क्योंकि मेरे पास यहाँ पर घी वाला सूट ही था जो थोड़ा सा ब्लिंगी था. तो एक बार मैं इसको और पहले फंक्शन के लिए पहन चुकी थी पहना, और ये लोग इस तरीके से वेलकम कर रहे थे. मुझे नहीं पता क्या इन्होंने डाला. और सिमिलर साड़ीज पहनी थी. और ये था स्टेज, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा कम थे तो हमें ये लगा कि हम जल्दी आ गए, लेकिन सच बात ये थी कि सारी के सारी जितनी भी पॉपुलेशन थी ना वो डाइनिंग एरिया में थी. और यहाँ पे ना डाइनिंग और रिसेप्शन आसपास नहीं होता, थोड़ा डिस्टेंस में होता. और ये है द फेमस सिंगर श्रीनी. और ये रहा स्टेज जिसमें ब्राइड और ग्रूम खड़े हुए थे. और लोगों को देखिए कैसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं. और ये रहे मैं और आंटी, और हम यहाँ पर आ गए थे खाना खाने के लिए. तो बीच में मैंने सोचा अपना और आंटी का एक ले लेती हूँ शॉट. और फिर से ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे साउथ इंडियन म्यूजिशियंस आए थे, मुझे एग्जैक्टली नाम तो पता नहीं है. श्रीनिवास का पता है, वो मैंने बता दिया. और ये देखिए यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम की फ़ोटो बनी हुई थी एंट्रेंस में. और ये कोई संगीत टीचर्स थे. खाना यूजुअल खाना अच्छा नहीं था जैसे कि लोग कहते हैं, पर हमारे लिए टोटल साउथ इंडियन क्यूजिन था. नॉर्थ इंडियन के नाम पर पुदीना पराठा था. और आप लोग शौक हो गए सोच कर कि कौन देता है. और यहाँ देखिए ये भैया जो राजस्थान से थे, और इन्होंने स्पेशली मेरे वीडियो बनाने के लिए ये किया. मैं दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जो लोग इसको पीते हैं ना इसके सच में बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं. एंड अब इनको देखना, 4000 लाइक्स मिले हैं इन भैया की जो शॉर्ट वीडियो है इसको. और हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए. और यहाँ पे ना कुछ बड़ी फेमस साउथ इंडियन म्यूजिशियंस आए हैं जिनका मुझे नहीं पता. एक तो श्रीनी है, अंकल भी आ गए. और अंकल खो गए, हम अंकल का वेट कर रहे हैं. फाउंड अंकल एंड आई एंड आंटी आर सिटिंग हियर. आंटी का खाने आ गई फोन. और आंटी आंटी और आंटी का फोन. जा रहे हैं. आई एम सो फुल आंटी. यस आंटी, ऑल ऑफ अस एट सो मच. शिवम डिड नॉट लाइक द पुट आंटी, बिकॉज वी लाइक द पुट ओनली यू मेक नो. एंड वी डिड नॉट लाइक द कडला करी ऑल्सो. इट वॉज सो बैड. नो फूड कैन बीट माई आंटीज फूड. यस, सो आई वॉज सेइंग दैट नो बडी कैन बीट माई आंटीज फूड. इट वॉज रियली नॉट गुड. Yes, auntie. Put in that kadla curry also you make. No, auntie. So actually we have had everything that was here. Yes, and we have had when you are making. Apple also we had. Yes, auntie. So everything you give, no. So I was comparing with our taste one. Being wapas or. मैंने अपना जो बेस मेकअप है वो रिमूव कर लिया, पर आँखों को मैंने रिमूव नहीं किया है. आँखों में ना कैमरे में बड़ा अलग कलर आ रहा है, पर मैंने थोड़ा सा पिंकिश और गोल्ड किया था. ये इतना डार्क रियलिटी में नहीं लग रहा है जितना इसमें फ़ोन के कैमरे में नज़र आ रहा है.
सनी मैं मैंने रिमूव इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कल सुबह 8:30 बजे फिर से वेडिंग के लिए जाना है, तो मैं इसी को कैरी करने वाली हूँ क्योंकि मैं गोल्डन सूट पहन रही हूँ और बाकी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अब। बाकी क्या बाकी बाकी कर रही हूँ, तो अभी के लिए बस इतना ही। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज पल्लवी जोशी। पीछे देख लो कपड़े सूख रहे हैं।